एक किसी आचार्य जी की कथा है, हमें याद आ गई। देखो, झंझट जो भी पालो मुसीबत ही देता है, चाहे कोई भी झंझट हो वो मुसीबत ही देता है। एक महात्मा जी रहते थे झोपड़ी में, उनकी झोपड़ी में चूहा बहुत थे। चूहा जानते हो? अब इतना तो जानते ही हो कि उनकी झोपड़ी में चूहा बहुत थे। अब उन्होंने कहा क्या किया जाए, चूहा बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए क्या किया। तो किसी ने कहा बाबा जी परेशान ना हो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहों को खा लेती। हाँ ये ठीक है। उन्होंने बिल्ली पाल ली। अब जब बिल्ली आ गई तो बिल्ली को दूध चाहिए। अब गांव वाले कब तक दूध दें? तो गांव वालों ने कहा महाराज 10-15-20 दिन हो गए, अब हमने तो खूब दूध दे दिया, अब एक काम करो, रोज आपको दूध लगना ही है, एक गाय पाल लो। अब दूध तो सच में चाहिए, सो एक गाय रख ली। अब गाय के लिए गांव वाले चारा कब तक दें? 10-15-20 दिन। गांव वाले बोले महाराज कब तक हम मदद करेंगे, एक काम करो 2 एकड़ खेती ले लो जमीन, उसमें चारा बो और खवाओ। महात्मा ने कहा ये भी ठीक है, जरूरी है, क्योंकि भाई बिल्ली रखना है तो दूध चाहिए, और दूध चाहिए तो गाय चाहिए, और बिल्ली इसलिए चाहिए कि चूहा खाएगी। अब क्या किया जाए? अब चारा के लिए खेती ले ली, अब चारा काटें के भजन करें, माला जपें के प्रभु को पाएं के चारा काटें। गांव वाले बोले महाराज जी एक गांव में विधवा औरत है, उसका कोई नहीं है, उसको हम आपके आश्रम पर रख देते हैं, वो चारा काटती रहेगी, गाय को खिलाती रहेगी, आपके लिए दूध मिल जाएगा, आप बिल्ली को पिलाते रहना, झंझट का। महात्मा बोले ये ठीक है, काम बन गया। अब बातें हैं वो तो चलती ही हैं, धीरे धीरे हवा उड़ी महाराज जी की। अब वो धीरे धीरे पहले गाय की सेवा करती रही, फिर महाराज जी की सेवा। तो गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो शादी करनी पड़ेगी आपको, तभी चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी करनी पड़ेगी आपको। महात्मा बोले अब मार लिया, क्या किया जाए, अंत तो गत्वा शादी उन्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि गाय रखनी थी, और गाय इसलिए रखनी थी क्योंकि दूध चाहिए था, दूध इसलिए चाहिए था क्योंकि बिल्ली पालनी थी, और बिल्ली इसलिए बुलाई थी क्योंकि चूहा खत्म करने थे। अंत तो गत्वा शादी हो गई। जब वो मरने लगी तो शिष्यों ने पूछा कोई गुरु ज्ञान दो, महात्मा जी बोले सब कुछ करना, बिल्ली मत पालना। सब कुछ करना पर बिल्ली मत पालना, ये पूरा खेल बिल्ली से स्टार्ट हुआ है। यही हम तुमको बताना चाहते हैं कि अगर झंझट पालोगे तो झंझट बड़े ही जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। सर्वोत्तम उपाय है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं है, जो मिला नहीं उसका कोई गम नहीं है, जो मिला है वो लाजवाब है, जो मिलने वाला है वो सिर्फ एक ख्वाब है। हमें जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं, इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, दुबई में हम धन कमाने नहीं आए हैं, हम तो आपकी संस्कृति को बताने और दुबई की महिमा को पूरी दुनिया में पहुंचाने आए हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों आप इस भाव से बिल्कुल मत बैठना, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने भी नहीं आए, इस चक्कर में भी मत रहना कि तुम्हारे बाप का नाम बताया जाएगा या तुम्हारी पत्नी की पोल खोली जाएगी। ये तो अपन बागेश्वर धाम पे करेंगे खूब, बिल्कुल चिंता मत करो, यहां भी लगाएंगे, चिंता मत करो, ये भी अपना है। हम तो कल कह रहे थे, पूनम बहन भी बैठी थी, डॉक्टर साहब भी बैठे थे कि दुबई भी तो हमारा है। इसलिए मेरे प्रियजनों हम तुम्हें भागने नहीं जगाने आए, इसलिए सूत्र याद रखना, हमें भागना नहीं है, क्या करना है। और जागने का मतलब क्या, एक किसी गांव की चर्चा हमारे प्रिय, बहुत ही प्रिय परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते, अखंडानंद जी ने सूत्र दिया भागना नहीं जागना है। अखंडानंद जी कहते कि किसी गांव में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, भयंकर अंधेरा, उस गांव के लोग दीपक जलाना भी नहीं जानते थे। उस गांव के लोगों ने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बहुत ही गंदा नियम निकाल रखा था कि रात के समय जब अंधेरा हो
तो अंधेरे को बाहर फेंकना है। और पूरी रात वो यही करते थे, अंधेरे को बाहर फेंकते थे। और सुबह जैसे ही होती थी तो कहते थे लो अंधियारी भाग गई। अंधेरे को फेंकने से अंधेरा कभी नहीं जाता था, वो तो प्रकृति की गति थी। सूर्य उदय होता था, उजाला आता था, और उन मूर्ख गांव वालों को लगता था कि हमने अंधेरे को आज फिर भगा दिया, आज अंधेरा फिर हार गया। लेकिन उसी गांव में किसी पढ़ी लिखी एक औरत की शादी हुई। वो उस गांव में गई और उसने रात को देखा तो सब लोग चिल्लाते हुए बाहर आए, चलो चलो अंधेरा ढोना है, चलो चलो अंधेरे को भगाना है, भाग जा अंधेरा। वो पढ़ी लिखी औरत रही होगी दुबई की। अब ये नहीं कहेंगे कि वो तुम्हारे बीच की मुन्नी बाई थी, पर वो थी दुबई की। और वो आश्चर्यचकित तो हो गई कि ये रात में पूरा गांव करता क्या। तो उसने अपनी सासु माँ को पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा। उसकी सासु माँ ने कहा अंधेरा ढोया जा रहा, हम लोग कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी अंधेरे को भगाते हैं, तब सुबह तब सवेरा होता है, तब प्रकाश आता है। उसने क्या क्या मूर्ख लोग हैं। उसने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन गई बाजार से वो रुई और तेल लेकर के आई। और जब रात हुई तो उसने अंधेरा भगाने के लिए छबलिया नहीं उठाई, दीपक जलाया और पूरे घर के बीच में रख दिया, पूरा घर प्रकाशमान हो गया। उस घर के लोग खूब सोए, खुश हो गए, हमारे घर से अंधेरा भाग गया, चमत्कार हो गया। जब पूरी रात उस घर के लोग सोते रहे तो सुबह पूरे गांव वालों ने पूछा क्या बात है, आज तुम्हारे मकान से कोई आवाज नहीं आई है, क्या तुमने अंधेरा ढोने का काम नहीं किया। उसने कहा कि मेरे घर उजाला आ चुका है, अब मुझे अंधेरा ढोने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियजनों, जब गांव वालों को वो सूक्ति पता लगी तो किसी ने भी पर अंधेरा ढोना नहीं सोचा, सबने अपने घर पर दीपक जलाना प्रारंभ किया। परिणाम उस गांव का अंधकार भाग गया। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अगर अध्यात्म की चेतना, ज्ञान की चेतना, भक्ति की चेतना, विश्व एकता की चेतना, विश्व शांति की चेतना और सबको गले लगाकर भागने की जगह जागने की चेतना तुम्हारे अंदर जागेगी, तुम्हारे अंदर दृढ़ता होगी, तुम्हारे अंदर संकल्प होगा और तुम ऐसा दृढ़ संकल्प करके बैठोगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं तुम तो आनंद पाओगे ही पाओगे, तुम तो सुख पाओगे ही पाओगे, तुम तो प्रसन्नता पाओगे ही पाओगे, तुम्हारे प्रकाश के साथ साथ तुम्हारे घर में रहने वाले लोग भी प्रकाशित हो जाएंगे, वह भी जागृत हो जाएंगे। उनको जगाने का एक ही उपाय है, हमें भागना नहीं है। क्या करना है, जोर से बोलो, भागना नहीं है, क्या करना है, जागना। अच्छा, जागने का मतलब तुम लोग कहोगे गुरुजी हम तो पहले ही आंखें खोले, अब कैसे जागना, नक कटा, आंखें खोलना जागना नहीं है, आंखें खोल करके भी बहुत लोग सो रहे, जो हो रहा वो दिखाई नहीं दे रहा, मस्ती में मस्त है, उन्हें पता ही नहीं, कुछ लोग तो जिए ही जा रहे, खाना मिल रहा सो खा ही जा रहे, सो ही जा रहे, रो ही जा रहे, हंसे ही जा रहे, ये जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी तो पशुओं की भी होती है, जिंदगी वो है जिसमें हर पल मुस्कुराहट बनी रहे, हर पल आनंद बना रहे। आप कहोगे महाराज जी ऐसा संभव है, हाँ कैसे संभव, सब सुख लाए हैं तुम्हारी शरणा, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा।